त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में वार्ड नंबर 32 से राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी मुकेश चौधरी को जनता द्वारा मिल रहे स्नेह और प्यार रूपी आशीर्वाद से 5872 वोटों से विजयी होने पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता का आभार प्रकट किया। मुकेश चौधरी ने कहा कि वो वार्ड नंबर 32 की समस्त सरदारी द्वारा दिए गए आशीर्वाद और सहयोग के लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं। ये जीत उनकी नहीं समस्त बुजुर्ग युवाओं और माता बहनों की है जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद रूपी वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाकर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा तो उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था उसमें भी जनता ने उन्हें दूसरी बार आशीर्वाद रूपी वोट देकर जिला पंचायत सदस्य चुना है। वो अपने सभी क्षेत्रवासियों के इस अपार प्रेम के सदैव ऋणी रहेंगे और अपने घोषणा पत्र में जो भी जनता से उन्होंने वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। ये जीत उनकी नहीं पूरे क्षेत्र की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे। जनता ने आपको इतना सहयोग किया है, इतना प्यार दिया है, तो क्या कहना है आपका? मैं वार्ड 32 की समस्त सरदारी को, अपने नौजवान साथियों को, युवा शक्ति को, मात शक्ति को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उन्होंने जो मुझे प्रेम स्नेह और जो हृदय से वोट रूपी आशीर्वाद दिया है, अपने बच्चे की तरह, अपने भतीजे की तरह मुझको इतना वोट रूपी सहयोग दे के आशीर्वाद देकर, अपने तन से, मन से और हृदय से जो मुझे आज 5872 वोटों के संख्या से जिला पंचायत सदस्य मथुरा भेजने का काम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस शक्ति से, जिस वोट रूपी शक्ति से वोट की चोट देकर जो हमारे आरोपों को, जिस तरीके से हमको षड्यंत्र साजिश के तहत फंसाया गया था, उन आरोपों को हमने वोट देने से, मतदान से पहले आपसे कहा था कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मेरी सरकारी देगी, मेरी युवा शक्ति देगी, मेरी मात्र शक्ति देगी। और वोट की चोट से देगी और 29 अप्रैल को वोट की चोट देकर 5872 से उनको जहाँ से वो आए थे उसी जगह पे भेजने का काम कर दिया जाएगा।